हेलो, नमस्कार आप सब लोगों को। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें बात करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे क्या होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन देर आर मैनी टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनके बारे में बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट वील टॉक अबाउट डिफरेंट किंगडम सिस्टम्स गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने का मतलब, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए मैं आपको 100 बॉल्स दे देता हूँ, और 100 बॉल्स में 10 बॉल्स जो हैं वो रेड कलर की हैं, ठीक है ना। 10 बॉल्स जो है वो, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, 100 बॉल्स आपके पास टोटल हैं। 10 बॉल्स मान लीजिए रेड कलर की हैं, 10 बॉल्स आपके ब्लू कलर की हैं, 10 बॉल्स ब्लैक कलर की हैं, 10 बॉल्स आपके व्हाइट कलर की हैं, ठीक है। इस तरह से अलग अलग 10 कलर की आपके पास 10 10 बॉल हैं। और मैं इनको बोलूँ, मैं आपको बोलूँ कि भाई इन इस बॉक्स में से इनको निकाल कर अलग अलग बॉक्स में आप इनको अरेंज कर दीजिए। तो जो आप अरेंज करेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, आप इस वक्त किस बेसिस पर अरेंज कर रहे हैं, कलर, कलर उनकी क्या होगी, एक करेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। तो आप दो बॉल्स को जो एक जैसी कलर है उनको आप एक बॉक्स में रख रहे हो बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी, और जो दो अलग अलग बॉल हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, उसको आप अलग अलग बॉक्स में रख रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर डिससिमिलैरिटी, ठीक है। तो आपने उनको अलग अलग बॉक्स में रख दिया, लेकिन अब ये जो कलर है वो तो सेम है, मान रहे हैं आप मेरी बात, ये तो सेम है। मान लीजिए 10 जो बॉल हैं आपके पास, ये रेड कलर की बॉल है आपकी, ठीक है, 10 है और ये टोटल। लेकिन लेकिन आप यहां देखिए, मान लीजिए 10 हो गई पूरी, लेकिन आप ये देखिए साइज क्या सबका सेम है, यहाँ पर नहीं है ना, साइज सबका अलग अलग हमने यहाँ पर साइज बनाया। तो आप साइज के आधार पर भी फिर उनको अरेंज करेंगे, ठीक है ना, यानी कि ग्रुप के अंदर भी और ग्रुप सब ग्रुप आपने बना दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम और एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लैनेट अर्थ पर हैं, जितनी भी स्पीशीज हैं, लगभग मैं आपको बताऊँ 17 से 18 लाख जो है स्पीशीज हैं, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन 17 to 18, मान के चल सकता 20 लाख के आसपास स्पीशीज हैं प्लैनेट अर्थ पर, ठीक है। तो इन 20 लाख स्पीशीज को आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया इन ग्रुप्स एंड देन फाइनली इन सब ग्रुप्स, और फिर उन्हीं को आपने क्या कर दिया, उन्हीं ग्रुप्स को आपने एक हायरकी में भी पे कर दिया। जैसे वो हायरकी क्या है, वो हायरकी है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है ना, एंड देन जीनस एंड देन स्पीशी। ये हायरकी हो गई आपकी, मैंने आपको बताया था, है ना। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज़ क्या करेंगी, सिमिलैरिटीज़ कम होती चली जाएंगी और डिससिमिलैरिटी इंक्रीज होती चली जाएंगी। लेकिन आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो सिमिलैरिटीज़ इंक्रीज होंगी और डिससिमिलैरिटी कम होंगी, ठीक है। सो ये है, तो यहाँ पर एक साइंटिफिक प्रोसीजर है ये ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने का, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर, और फिर उनको ग्रुप्स में प्लेस कर देते हैं एक हायरकी में, जो हमने आपको बताया, यही है। क्या ज़रूरत है इस क्लासिफिकेशन की, क्यों करते हैं क्लासिफाई, क्यों इतनी मेहनत की जाती है साइंटिस्ट के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात फिलहाल शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन डाउन द रोड जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो आपको ये बात जरूर समझ में आ जाए कि कितना ज़रूरी था ये काम करना, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर अभी फिलहाल समझने की यही है कि सफिशियंट इन्फॉर्मेशन हमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में मिलती रहे, ठीक है। हम एक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर हमें नया मिलता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम हमारे पास अच्छी और इन्फॉर्मेशन हो ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है ना। तो पहला हो गया सफिशियंट इन्फॉर्मेशन, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म को लेकर होनी चाहिए, उसके आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में रहे हैं, जो अब नहीं है लेकिन वो पास्ट में थे, ठीक है, जैसे जो आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं डायनासोर्स, तो डायनासोर्स के बारे में आज जो भी चीज़ें हमें पता हैं, क्या हमें, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या डायनासोर ने हमें आके बताया, या डायनासोर के टाइम में जो लोग रहते थे, ऑब्वियसली कोई लोग तो आदमी तो रहते नहीं, मैमल्स तो उस टाइम थे ही नहीं, ठीक है ना, मतलब मैमल्स थे लेकिन वो मैमल्स कैसे थे, वो बहुत स्मॉल साइज के थे, हमारी तरह आज के जो मैमल्स हैं वैसे नहीं थे, ठीक है। तो डायनासोर तो आज से बहुत
मिलियंस ईयर्स पहले थे, तो उनके बारे में हमें पता लगाना है, ठीक है ना, ताकि हमें एवोल्यूशन के बारे में पता लगे, तो पास्ट के ऑर्गेनिजम्स के लिए. नेक्स्ट है रिलेशनशिप. देखिए ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उन सब संबंधों की जानकारी के लिए हमें क्लासीफाई करना जरूरी है. एंड देन फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एवोल्यूशन, यानी कि किस तरह से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से होस्ट का एवोल्यूशन हुआ है, ये सब चीज़ें हमारे लिए जाननी जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है. आफ्टर दैट अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कई तरह की होती है. जो सबसे पहली जो बायोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता था साइंटिस्ट के द्वारा, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को ले लिया करते थे. वो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर मतलब जो फिजिकल अपेयरेंस होता है ना, बस उसी के आधार पर, जैसे हैबिट हो गई उनकी, उनका हैबिटाट हो गया, उसी आधार पर बस जो है आर्टिफिशियली जो उनको क्लासीफाई कर दिया जाता था. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एरिस्टोटल ने किया, एरिस्टोटल ने सारे के सारे एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक जिनके पास रेड ब्लड है, एक जिनके पास रेड ब्लड नहीं है. इनको देखिए आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, ठीक है ना, एक जैसे से नाम है, ठीक है, एनाइमा और इनाइमा बोल सकते हो आप इसको, इसको एनाइमा बोल सकते हैं, ठीक है. एरिस्टोटल ने फिर से डिवाइड किया एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटाट, एज आई टोल्ड यू कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर ही वहाँ पर बांट दिया जाता था. एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले हैं, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पर रहने, एरियल जो हवा में रहने वाले हैं, ठीक है. एक्वेटिक में आपके फिशेज व्हेल वगैरह आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में आपके रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स हैं, ये सब आ जाएंगे, और आपके एरियल में आपके बर्ड्स बैट ये सब आ जाएंगे, ठीक है. तो ये जो बैट एक मैमल है, याद रखना, बैट इज़ नॉट अ बर्ड, ठीक है ना. और जो सेकंड जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था, व्हेल, व्हेल एक, व्हेल भी एक मैमल है और डॉल्फिन भी एक मैमल है, फिश नहीं है वो, याद रखना, मैमल है वो दोनों, एक्वेटिक मैमल है डॉल्फिन भी, ठीक है. शार्क एक टीथ है, शार्क एक फिश है, ठीक है ना. उसके बाद प्लिनी द एल्डर आए, इनका ये लाइफ टाइम था 23 AD से 79 AD, और ही डिवाइड द एनिमल अगेन इन टू कैटेगरीज, फ्लाइट जो उड़ सकते हैं और जो नहीं उड़ सकते हैं, दैट्स इट. तो मॉर्फोलॉजिकल जो आपने देखा, हैबिट आपने देखी उसकी कि वो उड़ सकता है, बस आपने कर दिया. कार्लोस लिनियस, लिनियस ने भी किया प्लांट क्लासिफिकेशन, इन्होंने किया, ठीक है ना. इन्होंने जो है क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है ना, इनमें, और इन्होंने क्या किया, 24 क्लासेस में इन्होंने बांट दिया प्लांट्स को, ठीक है. तो कार्लोस लिनियस ने भी काम किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम. देखिए विदाउट माइक्रोस्कोप एंड विदाउट द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी विच यू गाइज आर एंजॉइंग टूडे, ये लोग इतने मतलब महान, मैं कहूँगा कि एरिस्टोटल के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन रियल में बहुत ग्रेट साइंटिस्ट हैं, वी शुड सैल्यूट देम, ठीक है ना, फॉर द वर्क विच दे डिड. हाँ, सिलेबस जरूर हमारा इन्होंने बढ़ा दिया, बट नेवर माइंड, ठीक है, वो अच्छा ही है हमारे लिए. ओके, नेक्स्ट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन. नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या है, नेचुरल जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज है ना, उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है. और नेचुरल सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी का मतलब क्या है, फिजियोलॉजी, ठीक है ना, ओंटोजेनी, डेवलपमेंट, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, ये सब हमारे कॉन्स्टेंट करेक्टर्स हैं. देखिए आप खुद सोचिए, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, कि हमारी किडनी जो काम करी, ओबियसली हमारी किडनी एक ही तो काम करती जाएगी ना, ठीक है ना. ये तो नहीं है कोई नया काम निकाल के ले आएगी, वो जो है ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देगी, जो है विदाउट फिल्ट्रेशन जो है ब्लड का छोड़ देगी, वो ऐसा तो नहीं होने वाला ना. हाँ, डाउन द रोड अगर मान लो आज से मिलियन बीयर्स ईयर बाद में अगर कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो एक अलग बात है, बट ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है. नाउ ओंटोजेनी, हाँ ये जो टर्म है ये आपके लिए शायद नहीं होगी, बाकी तो आप सब समझ, एनाटॉमी आपको पता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे, साइटोलॉजी सेल की स्टडी, रिप्रोडक्शन यू नो, फिजियोलॉजी एज आई टोल्ड यू, डेवलपमेंट यू नो, ठीक है. बट ओंटोजेनी ये एक नई टर्म हो सकती है आपके लिए. तो ओंटोजेनी जो है उसका मतलब क्या है, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका डेवलपमेंट, उसके एनाटॉमिकल फीचर्स, उसके बिहेवियर, उसके जन्म से लेकर, या उसके कह सकते हैं अर्लीस्ट स्टेज से लेकर, मतलब हाँ उसके जन्म से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक, ठीक है ना, जो उसके बिहेवियरल फीचर थे, जो उसके डेवलपमेंटल फेजेस थे और जो उसके एनाटॉमिकल फीचर्स थे, वो सब की जो स्टडी होती है उसको हम ओंटोजेनी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज ओंटोजेनी, ठीक है. तो ये चीज़ है. देन होमोलॉजी आ जाती है, ये होमोलॉजी को भी कंसिडर करते हैं. और होमोलॉजी का मतलब क्या होता है, होमोलॉजी का मतलब होता है कि कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स के बीच में संबंध के बारे में बात करना. कंपेरेबल स्ट्रक्चर्स के बीच में मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आप बात करूँ लैंड पर रहने वाले जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ये वर्टिब्रेट्स वगैरह ये सब आपके पास आएंगे, समझ में आएंगे, लेकिन आप फिलहाल आप याद रखिए वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके पास वर्टिबल कोलम है, जिन एनिमल्स के पास, ठीक है. तो वर्टिब्रेट जिनके पास भी, और जो लैंड पर रहने वाले, उन सब के हाथों में अगर हम देखें, फोरआर्म्स में अगर हम देखें, तो पेंटाडेक्टाइल यानी कि 5 फिंगर हैं, ठीक है. लेकिन
लेकिन एक्सटर्नली तो अलग अलग दिखते हैं। जैसे आप देखिए, आप हमारा अगर हम हमारे हैंड्स की बात करें तो हम ग्रास्पिंग मतलब चीज़ों को पकड़ने में, इसी तरह हॉर्स रनिंग में यूज़ करता है, व्हेल स्विमिंग में यूज़ करते हैं अपने फोर लिम्स को, ठीक है। बर्ड जो है वो फ्लाइट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बैट जो है वो भी फ्लाइट के लिए यूज़ करता है अपने फोर लिम्स को, ठीक है, हमारे फोर आर्म्स को। तो एक्सटर्नली देखिए कितना डिफरेंस है, और डिफरेंस है फंक्शनिंग में भी, ठीक है। लेकिन एक रिलेशनशिप फिर भी उनमें है, एक रिलेशनशिप फिर भी उनमें है, और इसी वजह क्योंकि पेंटाडेक्टाइल है, ठीक है ना, पेंटाडेक्टाइल है। तो ये जो रिलेशनशिप है इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉजी। तो एक होमोलॉजी को भी नेचुरल क्लासिफिकेशन कंसिडर करती है। अब एक एग्जांपल और है यहाँ पर, जैसे हम अगर हम मैमल जितने भी मैमल्स हैं सब में कुछ कॉमन फीचर, जैसे उनके पास मेमोरी ग्लैंड है, हेयर्स है बॉडी पर, दे आर व्यू पैरस मतलब दे गिव बर्थ टू अ यंग वन, दे आर नॉट ओवी पैरस, है ना। फोर चैम्बर्ड हर्ट है उनके पास, दे आर वार्म ब्लडेड है, और भी बहुत सारे फीचर हैं। तो हमने इन सारे फीचर्स के आधार पर, और ये नेचुरल हैं सारे, ये फिजियोलॉजिकल ऑन्टोजेनिकल डेवलपमेंट एनाटॉमिकल फीचर्स हैं इन ऑर्गेनिजम्स के, इन्हीं के आधार पर हमने इसको एक क्लास में डाल दिया, दैट इज क्लास मेमेलिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द थिंग। बेंथम हुकर ने जो है 1862 से 1883 के पीरियड के अराउंड इन्होंने क्लासिफाई किया था सीड प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। आफ्टर दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, ये थोड़ा और नई चीज़ों को कंसिडर करती है, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर करती है। फाइलोजेनेटिक जो रिलेशनशिप है, क्लासिफिकेशन है, एवोल्यूशनरी मतलब एवोल्यूशन के दौरान क्या रिलेशन रहा उनका, ठीक है, या एवोल्यूशन से पहले क्या रिलेशन था। एंगलर और प्रेंटल ने ये दिया था, और कंसेप्ट डार्विन, जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बहुत ही महान साइंटिस्ट, एवोल्यूशन के लिए तो पितामह कह सकते हैं इनको हम, ठीक है। जो है यही थे, इनकी बुक से ये कंसेप्ट लिया गया था, और इन्होंने एंगलर पेंटल ने डिवाइड किया था फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया था। और ये फाइलोजेनेटिक काफ़ी डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है, ये काफ़ी डायनेमिक जो है क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पर जो मेजर सोर्स होता है, क्योंकि एवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, और एवोल्यूशन में मतलब कि जो चेंजेस हमारे अंदर आए हैं, ठीक है ना, जो चेंजेस, जैसे हम देखिए, हम जो है पहले एप्स या फिर मंकी टाइप के थे, ठीक है ना, और वहीं से फिर हमने इवोल्व होकर आज हम जो है आज होमो सैपियंस बन गए हैं, ठीक है। तो हमने किस तरह से जो एवोल्यूशन किया, ठीक है ना, और ये हम कैसे पता लगाते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पर, ठीक है। तो उन्हीं सब की स्टडी को, उन्हीं सब के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हम उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की एक टाइप है, दैट इज फेनेटिक, इसको हम टैक्सोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, फेनेटिक को ही, ठीक है ना। ये एक टाइप, एक तरह की फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन इसमें एवोल्यूशन को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, और ना ही हम फोसिल्स के करेक्टर्स में जो डाइवर्सिटी, जो अलग अलग पन है, जो डिफरेंसेज है, उनको भी क्लासिफ। तो हम एक तो फोसिल्स के डाइवर्सिफिकेशन को, और एक हम एवोल्यूशन को, इन दोनों चीज़ों को हम नहीं करते हैं, ठीक है। चार मेजर ब्रांचेस यहाँ पर है मेन, ये क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं, साइटोटेक्सोनॉमी यानी कि सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको, कीमोटेक्सोनॉमी जो बायोकेमिकल्स, जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी ये कंप्यूटर का यूज़ करके यहाँ पर कर लिया जाता है, और क्लैडिस्टिक जो टेक्सोनॉमी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये यूज़ करता है फाइलोजेनेटिक में, और यहाँ पर जो है ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो साइटोटेक्सोनॉमी सेल के लिए, केमोटेक्सोनॉमी जो केमिकल स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कुछ नंबर्स वगैरह दे देते हैं ये कुछ कोड्स वगैरह के बेसिस पर, एंड देन जो आपका एक क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी है, ये जो है कॉमन एंसेस्टर्स की वजह से जो सिमिलैरिटीज़ आई हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये बात अभी तक यहाँ पर थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज योर किंगडम्स। नाउ किंगडम्स की हम बात करते हैं, तो टू किंगडम सिस्टम सबसे पहले दिया था, और अगर ये क्वेश्चन देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो दोनों थे। एरिस्टोटल ने भी डिवाइड किया था प्लांट एंड एनिमल को आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के आधार पर, और कार्लोस लिनियस ने भी किया था शुरू में तो आर्टिफिशियल के आधार पर, लेकिन एक्चुअल में हम अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टू किंगडम सिस्टम एक्चुअली हु प्रपोज दिस सिस्टम, तो यू विल टेल कार्लोस लिनियस ने प्रपोज किया था, ठीक है। कार्लोस लिनियस ने ही ये प्रपोज किया था, आप एरिस्टोटल नहीं बताएंगे, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स में इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था, दो किंगडम बन गए थे कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स है या तो वो प्लांट्स की कैटेगरी में है या वो एनिमल्स की कैटेगरी में है, ठीक है। थ्री किंगडम
फिर आते हैं हंस टैकल और एक नया किंगडम देते हैं दैट इज प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में कौन आएंगे, प्रोटिस्टा में आपके जो एनिमल और प्लांट नहीं है वो प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके ये डायटम, जाइनोफ्लैजेलेट्स, बैक्टीरिया, फंजाई सब प्रोटिस्टा में आ गए उस टाइम पर। लेकिन फिर फोर किंगडम सिस्टम दिया गया कॉपलैंड के द्वारा और इन्होंने प्रोटिस्टा में से मोनेरा को निकाल दिया, यानी कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इन्होंने यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मोनेरा ही ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी बैक्टीरिया थे इन्होंने यहाँ से अलग करके मोनेरा नाम का नया किंगडम दिया और चार किंगडम अब हो गए हैं। फिर आते हैं विटेकर जी 1969 के दौरान, ये भी जो है अपना एक सिस्टम देते हैं और एक नया सिस्टम लेकर आते हैं, ये एक नया किंगडम लेकर आते हैं फंजाई। और फंजाई में जितने भी सेप्रोट्रॉफिक डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाने वाले ऑर्गेनिज्म्स इन्होंने इस किंगडम में डाल दिए और इन्होंने ये पाँच किंगडम फाइनली दे दिए, जो कि आज के दिन हम एक्सेप्ट करते हैं इसको, ठीक है। विटेकर का क्या क्राइटेरिया था, सबसे पहले विटेकर ने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कि भाई सेल का स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मतलब वो प्रोकैरियोट है वो यूकैरियोट, प्रोकैरियोट का मतलब प्रोकैरियोट, कैरियोट का मतलब, कैरियोन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, तो प्रो का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है ना। यूकैरियोट, यू का मतलब है ट्रू और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारी चीज़ों के साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। बॉडी स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, भाई ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद खाना बनाता है, हेटरोट्रॉफिक है, और अगर हेटरोट्रॉफिक है तो उसमें हेटरोट्रॉफिक में क्या है, वो भाई होलोजोइक है जैसे हम हैं, सेप्रोट्रॉफिक है जैसे फंजाई है, डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर खाता है, ठीक है ना, और आपका पैरासिटिक है, पैरासिटिक यानी कि जो पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना खाना डिराइव करते हैं, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है सेक्सुअल है, एंड देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे एवोल्यूशन रिलेशनशिप की बात यहाँ पर की। तो पांच इन्होंने क्राइटेरिया के आधार पर इन्होंने ये सारी पांच किंगडम्स दिए थे। नेक्स्ट है जो मैं आपको, ये विटेकर का ही है, विटेकर ने कैसे किया, क्या किया, देखिए विटेकर ने सबसे पहले बोला कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल यानी कि सेल का स्ट्रक्चर, तो इन्होंने बोला कि भाई जो सेल का जो स्ट्रक्चर के आधार पर दो बनते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट में तो आगे किंगडम मोनेरा, ठीक है, एंड यूकैरियोट में जो है ये बाकी आ जाएंगे। तो यूकैरियोट भी फिर या तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी देख ली ऑर्गेनिज्म की कि भाई यूनिसेलुलर है, या वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है, तो यूनिसेलुलर में तो आगे प्रोटिस्ट, और मल्टीसेलुलर फिर मल्टीसेलुलर को उन्होंने ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर डिवाइड कर दिया। तो ये हो गए प्लांट जो ऑटोट्रॉफ हैं, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ फंजाई, एंड एनिमल या हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बता सकते हैं इस तरीके से विटेकर ने ये काम किया। नेक्स्ट इज सिक्स किंगडम सिस्टम भी अभी रिसेंटली वूजे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है ना। एक मिनट पीछे चले जाते हैं, ये भी देख लेते हैं एक बार। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बैक्टीरिया है ना उसी में क्लासिफिकेशन कर दिया, इन्होंने क्या किया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया कर दिया। यू का मतलब बताया ट्रू बैक्टीरिया कि भाई ये ट्रू बैक्टीरिया है और ये आर्की बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को इन्होंने वो करके बाकी सब सेम है, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, पीपीएलओ क्या है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट इज आवर, ये प्रॉपर्टीज हैं फाइव किंगडम सिस्टम की जो आज हम एक्सेप्ट करते हैं वो ये है, ठीक है। तो ये सेल का टाइप है, भाई सेल का टाइप क्या है, भाई प्रोकैरियोटिक सेल है यूकैरियोटिक, तो आप देख सकते हैं सिर्फ मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है, बाकी सब जो है यूकैरियोट है चारों किंगडम। सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या कैसा है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टीसेलुलर है। यहाँ पर यूनिसेलुलर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जहाँ पर फंजाई में ईस्ट जो है ना, ईस्ट वो सिंगल सेल्ड होता है, वो यूनिसेलुलर, बस एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सब यहाँ पर मल्टीसेलुलर आपको मिलेंगे, ठीक है। जो बेसिडियोमाइसिटीज हो या दूसरे फंजाई हो, सबके सब मल्टीसेलुलर है। फिर सेल वॉल, यहाँ पर प्रोकैरियोट में तो सब में होता है, ये एक ही ऐसा है जिसमें नहीं होता, माइकोप्लाज्मा विदाउट सेल वॉल, बाकी सब में होता है। और इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, है ना, ये सब क्या है, लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स सबके बारे में। प्रोटिस्टा में जो है ये प्रेजेंट होता है कुछ में और कुछ में नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में आप ये चीज़ याद रखेंगे। और इसके बाद जो आता है आपका फंजाई आता है, फंजाई में यस होता है, फंजाई में होता है, और फंजाई में होता है, बिल्कुल होता है, और सेलुलोज का ये एक्चुअल में बना होता है, फंजाई में सॉरी काइटिन का बना होता है, काइटिन, और ये काइटिन क्या है, ये एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है। देन प्लांट यस होता है बिल्कुल, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बना होता है, एनिमल्स यानी कि हमारे केस में सेल वॉल नहीं होता है, अपने हमारे सेल देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सराउंडेड होती है बस। न्यूट्रिशनल क्लासेस में देख सकते हैं आप, फोटोट्रॉफिक होते हैं कुछ, ज़्यादातर तो फोटोट्रॉफिक ही होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ही हैं, तीनों ऑटोट्रॉफिक की क्लास है।
ठीक है, सॉरी, ये जो है आपके, हाँ, ये दोनों फोटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये दोनों ऑटोट्रॉफिक की ही क्लास है। फोटोट्रॉफिक का मतलब हो गया जो लाइट से जो है वो करते हैं, और ये कीमोट्रॉफिक जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक बहुत कम होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो जाते हैं ना, और कुछ पैरासिटिक हो जाते हैं, जैसे अमरबेल पैरासिटिक है, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है ये चीज़ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपके हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं और फोटो भी होते हैं। फंजाई तो ऑब्वियसली हेटरोट्रॉफिक ही होते हैं, और हेटरो में भी सेप्टोट्रॉफिक ही होते हैं। प्लांट से सारे फोटोट्रॉफिक हैं, ये हेटरो हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये जो है न्यूट्रिशन में एब्जॉर्ब करते हैं ये मोनेरा, ये भी एब्जॉर्ब भी करते हैं, इंजेस्ट भी करते हैं, ये एब्जॉर्ब ही करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, हम इंजेस्ट करते हैं, एनिमल्स के केस में सब इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इतना ही था इस चैप्टर में, और मेरे हिसाब से आई होप कि आपको सब कुछ जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो हम दोबारा कर लें, जैसे ही अगर आप बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ रेफर योर एनसीईआरटी। थैंक यू, थैंक यू।